हम देखते हैं कि अकुमो जोनो की बात सुनने के बाद वहाँ से ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उधर गोकू और वेजिटा उस डायमेंशन गैप को ढूंढने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कैसे करे। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकारोट, क्या हम सब कुछ पहले की तरह ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हम पे बार बार एक के बाद एक कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती है, लेकिन इस बार ये मुसीबत कुछ ज्यादा ही बड़ी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें कभी अकुमो का सामना करना पड़ेगा। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो फिर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ वेजिटा, कि वो अगर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके यामुशी तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। इसके बाद वेजिटा कहता है, नहीं कैकारोट, तुम मेरी बात पूरी तरीके से नहीं समझ रहे हो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, ठीक है बोलो वेजिटा, तुम क्या कहना चाहते हो। जवाब में वेजिटा गोकू से कहता है, तुम नहीं जानते कैकारोट, अगर अकुमो ने अपने 12 लेजेंडरी सैयन को जिंदा कर लिया तो हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं होगी उसे हराने के लिए। इसके बाद गोकू कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वेजिटा, क्या तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं। जवाब में वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुम अकुमो के 12 लेजेंडरी सैयन की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि अगर वो 12 के 12 जिंदा हो गए तो वो लोग क्या तबाही मचा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उन्हें हराने वाला कोई नहीं होगा और उन लोगों में रहम जैसी कोई भी चीज नहीं है। वो सभी के सभी लेजेंडरी सैयंस बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं। उनके लिए किसी की भी जान लेना, किसी भी प्लेनेट को तबाह करना, ये बहुत ही आम बात है। इसके बाद फिर गोकू कहता है, वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो वेजिटा, हम उन्हें जरूर हराएंगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुम सच में पागल हो, मैं यहाँ पर फ्रीजा, सेलिया या फिर जामासू के बारे में बात नहीं कर रहा, तुम नहीं जानते कि ये तो बस शुरुआत है। उन सभी लेजेंडरी सैयंस की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से दो हैं जो कि अकुमो के खास हैं, जिसको जिंदा करने के लिए अकुमो कुछ भी करेगा। मुझे पता है कि वो आसान नहीं है, लेकिन वो ये करके रहेगा। अगर वो दोनों को अकुमो ने जिंदा कर लिया तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उन लोगों को नहीं हरा पाएगी। और हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, वेजिटा, मुझे याद आ गया, ग्रैंड प्रिस्ट ने मरते वक्त हमसे ये कहा था कि वो मेरे जरिए अपने खास सेंस को जिंदा करना चाहता है। मैं अब पूरी तरीके से समझ गया कि वो क्या कहना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कहता है, जब यामुशी लड़ा था अकुमो के खिलाफ तो उसने लगभग सभी सेंस को हरा दिया था जो ओजारू फॉर्म में थे, अपने कुछ दोस्तों की मदद से, जिनकी वजह से वो सुपर सेन गॉड बन गया और उसने सभी ओजारू का सामना किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही हमें मास्टर जोनो ने ये बताया कि यामुशी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है और वो जिंदा है, और यामुशी के जो 5 प्योर हार्ट सैयन दोस्त थे वो मारे गए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो 5 सैयन को कौन मार सकता है और आखिर कैसे, क्योंकि अकुमो वहाँ पर नहीं था और किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन 5 को हरा पाए, तो आखिर वो कैसे मर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अकुमो ने नहीं मारा तो वो आखिर मरे कैसे, किस में इतनी ताकत थी जिसने उन 5 को हरा दिया, ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद फिर गोकू कहता है, हे वेजिटा, जैसा तुम कह रहे हो कि वो 5 सैयन काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो हो सकता है कि अकुमो के कोई वॉरियर ने उन्हें मारा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अकुमो के 12 लेजेंडरी सैयन्स में से उनमें से ही कोई होगा जिन्होंने उन 5 को मारा होगा। जवाब में फिर वेजिटा कहता है, नहीं कैकारोट, अकुमो के लेजेंडरी सैयन्स उस वक्त तक नहीं थे, मुझे नहीं पता कि आखिर इन सब के पीछे क्या है और ये सब आखिर किसने किया था, लेकिन जल्द ही हमें सब कुछ पता लगाना होगा। यहाँ बहुत सारी पहेलियाँ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास इन सभी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, हमें ये हर हाल में करना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, कुछ भी क्यों ना हो वेजिटा, हमने आने वाली हर प्रॉब्लम्स का सामना किया है और हम इस बार भी इस प्रॉब्लम का सामना मिलकर कर लेंगे। इसके बाद वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर कहता है, मुझे वाकई में अभी भी यकीन नहीं होता कैकारोट, कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी इतने आराम से कैसे बात कर सकते हो, मैंने तुम्हारे जैसा सैयन कभी भी किसी को नहीं देखा, लेकिन जो भी हो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। इसके बाद गोकू कुछ भी नहीं कहता और वो बस हंसने लगता है। इसके बाद वेजिटा मन ही मन कहता है, शायद मुझे भी इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमने हर बार कई मुसीबत का सामना किया है और उससे बचने के लिए हर बार कोई ना कोई रास्ता निकाला है, और इस बार भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं
हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं और फिर इसके बाद हमें अकुमो का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अकुमो बहुत ही तेजी से सुपर ड्रैगन बॉल्स को पाने के लिए सीधा जारमा के पास जा रहा था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राइकॉन वापस उन सभी एंजल्स के पास जाता है और वो उन सभी से कहता है, हेलो, तो मैं वापस आ गया, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? लगता है मुझे शायद थोड़ी आने में देर हो गई। उधर सभी के सभी एंजल्स काफी डरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि राइकॉन को अकेला देखकर विश राइकॉन से पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, मार्गरेटा कहाँ है? जवाब में राइकॉन कहता है, उप्स, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, मार्गरेटा को तो मैंने मार दिया है। और ये बात सुनने के बाद वो सभी एंजल्स बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं। इसके बाद विश राइकॉन से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक एंजल को कैसे मार सकते हो? जवाब में राइकॉन कहता है, मैंने उसे मार दिया है क्योंकि उसने मुझसे बहस की थी, इसीलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी और वहाँ के लोग भी मुझसे काफी बहस कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसके पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दिया। उधर विस उसकी ये बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उनमें से एक एंजल कहती है, शांत हो जाओ विश, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। इसके बाद राइकॉन विस से कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा विस, तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वैसे भी मैं एक दिन के अंदर दो एंजल्स को नहीं मारना चाहता, लेकिन तुमने मुझसे बहस की तो मैं तुम्हें भी मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। इसके बाद विस उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल ही चुप हो जाता है और फिर वो उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद फिर राइकॉन कहता है, बहुत बढ़िया, वैसे विस मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, तुम यूनिवर्स 7 के एंजल हो ना? इसके बाद विस कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 7 का एंजल हूँ। फिर राइकॉन कहता है, ओह मैंने बिल्कुल सही सोचा था क्योंकि मैं अब यूनिवर्स 7 में ही जाने वाला हूँ, देखता हूँ अगर मेरा मूड ठीक रहा तो मैं शायद उसे बख्श दूँ, लेकिन वहाँ भी मुझे अगर ऐसे लोग मिल गए तो फिर से मैं धीरे धीरे तुम्हारे यूनिवर्स 7 के सारे प्लैनेट्स को खत्म कर दूंगा, समझे विस? तो ठीक है विस, मुझे अब देर हो रही है, तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ और मैं बहुत ही जल्द तुम सब से वापस मिलूंगा एंजल्स। और राइकॉन का ये बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एंजल्स के सामने से चला जाता है और वो सभी एंजल्स बस चुपचाप राइकॉन को देखते रहते हैं। उधर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को एक बहुत ही अजीब सी लेकिन बहुत ही ताकतवर एनर्जी का आभास होता है और वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरोट, क्या तुम ये देख रहे हो, आखिर ये कौन हो सकता है, कहीं ये यामुशी तो नहीं? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, ये यामुशी नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर चुका हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन ये कौन है मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। और उधर हम देखते हैं कि अकुमो आखिरकार ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हुए जारमा के किले के पास पहुंच जाता है और वो जारमा के किले के पास पहुंचकर कहता है, तो आखिरकार जारमा यहीं पर रहता है, सारे ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर। इसके बाद हम देखते हैं कि अकुमो जारमा के किले के पास खड़ा होकर कहता है, हे जारमा, मुझे सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और वो शांति से तुम मुझे दे दो, वरना मुझे उसे लेने के और भी सारे तरीके आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जारमा अकुमो से कहता है, अकुमो, सभी सैयंस के पिता, मैं जानता हूँ कि तुम अपने सभी सैयंस को जिंदा करके अपना एक साम्राज्य बनाना चाहते हो, तुम्हारे इरादे गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि तुम इस तरीके से सबको खत्म करके ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अकुमो जालमा से कहता है, मुझे तुम मत बताओ कि मुझे अपना साम्राज्य कैसे बनाना है, वो मैं खुद कर लूंगा, मुझे बस सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए और वो तुम मुझे शांति से दे दो, वरना मैं तुम्हें मार कर वो ले जाऊंगा। जवाब में जालमा कहता है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते और न ही तुम मुझे हरा पाओगे क्योंकि इन सभी का रचनाकार मैं ही हूँ और मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं बना, और तुम चाहकर भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मेरा काम है सिर्फ ड्रैगन बॉल्स को क्रिएट करना, मुझे लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी ब्रह्मांड में और उनके प्लैनेट्स पे ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी सभी को दूं, और मैंने सुपर ड्रैगन बॉल्स की जिम्मेदारी ग्रैंड प्रिस्ट को दी थी, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को मार दिया, इसीलिए वो सारे सुपर ड्रैगन बॉल्स मेरे पास आ गए हैं। अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि तुम ड्रैगन बॉल्स को संभाल पाओगे, तुम अच्छे हो या बुरे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मेरे ड्रैगन बॉल के रक्षक को हरा दिया तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। जवाब में अकुमो कहता है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसके बाद फिर लॉर्ड जालमा अकुमो से कहता है, तुम्हें मेरे ड्रैगन बॉल्स के रक्षक को हराना होगा। फिर अकुमो कहता है, ठीक है,
वो जो भी है मैं तैयार हूँ, उसे मेरे सामने लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस अजीब सी ताकत का पीछा करते हुए वहाँ तक आखिरकार पहुँच जाते हैं। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, हे कैकारोट, ये ताकत यहीं से आ रही है। जवाब में गोकू कहता है, वेजिटा सामने देखो, आखिर ये कौन है। वेजिटा भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम एक सैयन हो। और फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है। और तभी हम देखते हैं कि हमें राइकॉन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्स 7 में आ चुका था, और उसे अचानक से ब्रोली की एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है, वाह क्या बात है, लगता है यहाँ पर कोई है जो कि काफी ताकतवर है। लेकिन रुको जरा, ये एक नहीं बल्कि ये तो 3 है। क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार है। तुम लोग जो भी हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। So hey guys, this is Anime Girl Anna, और ये थी What If Goku Was the New King of Everything का part 16, and I hope guys you like the video. If you liked it, please do like, share, comment and subscribe to my channel and hit the bell icon with the latest update. So thanks for watching guys, bye bye.